आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दो हीटर कॉइल्स है, टू हीटर कॉइल्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है दोनों हीटर कॉइल्स का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द मेंस। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरी मेन सप्लाई है जो हमारे हाउसहोल्ड में सप्लाई आती है, ये मेरी मेन सप्लाई है, यहाँ पे इसे एसी सप्लाई से ऐसे मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ये मेरी मेन सप्लाई है। अब क्या है, मेन सप्लाई से दो हीटर कॉइल्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं और दोनों पैरेलल में। मान लीजिए ये मेरी पहली हीटर कॉइल और ये मेरी हो गई दूसरी वाली हीटर कॉइल, दोनों मैंने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। तो कह रहा है कि लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वन ऑफ द कॉइल इज ट्रिपल दैट ऑफ अदर। तो मैं मान लेता हूँ ये आर वन है, ये आर टू है। तो आर वन के लिए मैं पैरामीटर्स कंसिडर कर लेता हूँ। आर वन के लिए लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी रो है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। और अगर आर वन के लिए मैंने मान लिया, तो आर टू के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, क्या लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वन ऑफ कॉइल इज ट्रिपल दैट ऑफ अदर, यानी लेंथ अब 3L हो गई, लेंथ 3L हो गई और मेरी रेसिस्टिविटी तो रो की रो ही रहेगी क्योंकि हमें दे रखा है कि मटेरियल इज सेम, सेम मटेरियल, तो रो एज इट इज रह गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर बाय फोर। अब हमने क्या किया कि डायमीटर को ट्रिपल कर दिया, इसका मतलब अब मेरी जो है पाई इंटू अब 3D कर दी, इनिशियली क्या थी अगर डी डायमीटर थी तो अब मैंने क्या किया ट्रिपल कर दिया यानी 3D कर दिया। सो 3D अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी ये मेरा हो गया 9 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये दोनों पैरामीटर्स है, तो हमें कह रहा है विच ऑफ दिस विल प्रोड्यूस मोर हीट। हीट में हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि पावर पावर इनटू द टाइम फॉर विच इट इज ऑपरेटिंग। तो ये हीट का फॉर्मूला होता है। तो दोनों सेम अक्रॉस है, सेम मेन से कनेक्टेड है, तो वी तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डिपेंड करेगा हमारे आर पर। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ से, जैसे आर वन के लिए सारे पैरामीटर्स है, तो इसे मैं लिख देता हूँ आर वन इज इक्वल टू क्या हो गया रो इंटू एल बाय, सो रो इंटू एल अपॉन ए में हो गया नीचे पाई डी स्क्वायर और इंटू फोर, ये हो गया आर वन। सिमिलरली मैं आर टू लिख देता हूँ, आर टू रो लेंथ कितनी है 3L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 9 इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा रो इंटू एल अपॉन 3 पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब देखिए आर वन ये मेरी आ गई और ये मेरी आर टू आ गई, हमें क्वेश्चन में निकालना था विल प्रोड्यूस मोर हीट, कौन मोर हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हमने यहाँ से क्या रिलेशन देखा कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो हीट वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो हमें कंपेयर करना है आर वन एंड आर टू, कंपेयर आर वन एंड आर टू, तो आर वन आर टू को कंपेयर करते हैं। तो हम देख सकते हैं ये है मेरी 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू रो, और इसमें क्या है 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर तो है ही बट बाय 3 भी है, मतलब बेसिकली ये जो है ये है मेरी आर वन अपॉन 3, तो ये आर वन है और ये आर वन अपॉन 3 है। ऑफकोर्स आर वन जो है वो ग्रेटर देन है आर टू से, यानी आर टू जो है वो कम है, तो आर टू अगर कम है तो इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हीट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जो हमारी दूसरी वाली कॉइल है सेकेंड कॉइल में। तो इसका मतलब ये मेरा ए पार्ट था, तो ए पार्ट का आंसर हो गया, इसे मैं लिख देता हूँ सेकेंड कॉइल विल प्रोड्यूस मोर हीट, सेकेंड कॉइल विल प्रोड्यूस मोर हीट, तो ये हो गया इस पार्ट का आंसर। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डिसिपेटेड 10 वाट्स ऑफ पावर। तो इक्वल रजिस्टर है, चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ सर्किट, ये मैं अब पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट बी में क्या है 3 इक्वल रजिस्टर्स है, ये मैंने 3 इक्वल रजिस्टर्स बना दिए और ये जो है एक कॉमन EMF से कनेक्टेड है, कॉमन EMF से ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया।
अब डेटा में क्या दे रखा था कि ये टुगेदर मिलके 10 वॉट्स की जो है एनर्जी डिसिपेट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ पी टोटल। तो ये मैं मान लेता हूँ आर है, आर है, आर है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गई, तीनों सीरीज में है, सीरीज में होता है आर प्लस आर प्लस आर सिंपली एडिशन, तो ये आर इक्विवेलेंट मेरी 3R के इक्वल हो गई। तो मैंने अगर पोटेंशियल भी मान लिया तो हम जानते हैं पावर, टोटल पावर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी यहाँ से मेरा 10 जो है वी टोटल हमें दे रखा था वो इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन 3R के। तो यहाँ से मेरी वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू आ गई 30। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो चलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने सीरीज में कनेक्ट किया था, अब इसके पार्ट में कह रहा है कि हमने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये लीजिए मैंने तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया और उसी ईएमएफ सोर्स, मतलब अगर इनिशियली भी मानी हुई थी तो हमने दोबारा से भी सोर्स के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज आर आर एंड आर, तो अब क्या है, अब आर इक्विवेलेंट मेरी क्या हो गई, तीन इक्वल ये रजिस्टर्स है तो ये मेरी आर बाय 3 के इक्वल हो गई। तो अब पावर जो मेरी आ जाएगी, पावर न्यू मेरी हो गई वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, सो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन 3, यानी आर नीचे गुना 3 ऊपर हो गया। अब देखिए वी स्क्वायर आर की वैल्यू मेरी यहाँ 30 आ चुकी थी, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जो है वो 30 है और इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू 90 वॉट्स, यानी 90 वॉट्स का पावर डिसिपेट होगा जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो ये मेरा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं पार्ट सी को, तो पार्ट सी में क्या कह रहा है, पार्ट सी में कह रहा है टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 मे बी कनेक्टेड इधर इन सीरीज और इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दो रजिस्टर्स है R1 R2, हम जानते हैं सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कंसिडर नहीं करनी है, इसे आप हाईलाइट कर लो, इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट टू बी कंसिडर्ड। तो हमें इक्वल हमें इस तरह का चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड दैट जूल हीटिंग फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन शुड बी 4 टाइम्स देन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए R1 100 ओम दे रखा है, तो चलिए पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। ये मेरी पार्ट सी है, पार्ट सी में क्या कहा कि एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैं एक बैटरी मान लेता हूँ, उसकी पोटेंशियल वी मान लेता हूँ, वी पोटेंशियल के अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दूसरी बार क्या है पैरेलल, ये मैंने पैरेलल में R1 एंड R2 को कनेक्ट कर दिया, ये भी उसी पोटेंशियल वी के अक्रॉस है, मेरी R1 एंड दिस इज R2, ये दोनों मेरी अरेंजमेंट है। तो पहले वाले में जो पावर डिसिपेट होगी कितनी होगी, P1 इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट हो गया मेरा दो रजिस्टर सीरीज में, सो R1 प्लस R2, और दूसरे वाले में इसे मैं P2 से डिनोट करता हूँ, P2 इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, तो वी स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये R1 प्लस R2 जो है ऊपर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि जो पावर डिसिपेटेड इन सेकेंड है ये 4 टाइम्स है पावर डिसिपेटेड इन फर्स्ट, यानी हमें गिवन है कि P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P1 है, ये इस क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए सारे वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो P2 की वैल्यू मेरी क्या आई है, वी स्क्वायर अपॉन R1 R2 और ऊपर में है R1 प्लस R2, ये जो है इक्वल है 4 टाइम्स P1 के, जो कि है वी स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो वी स्क्वायर जो है ऊपर, ये दोनों हो गए मेरे कैंसल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो R1 प्लस R2 R1 प्लस R2, यानी ये हो गई मेरी R1 प्लस R2 की होल स्क्वायर, और ये जो है इक्वल टू है 4 टाइम्स R1 R2 के। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा बनेगा, R1 स्क्वायर, ये मेरी R1 स्क्वायर हो गई, माइनस में 2R1 R2, ये 2R1 R2 है, प्लस R2 इज इक्वल टू 0,
ये मेरी क्वाड्रेटिक हो गई। इस क्वाड्रेटिक को अच्छे से देखें तो ये कुछ नहीं, ये आर वन माइनस आर टू की होल स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया आर वन इज इक्वल टू आर टू। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ तक तो देख लिया था फोर टाइम्स देन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इफ आर वन इज इक्वल टू हंड्रेड फाइंड आर टू, तो अभी हमने देखा आर टू इज इक्वल टू आर वन है, तो 100 ओम का अगर आर वन है तो इसका मतलब है आर टू की भी वैल्यू 100 ओम के इक्वल हो गई, 100 ओम। तो ये मेरा आंसर हो गया पार्ट सी का। अब चलिए पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में ये दे रखा है एबीसी, मतलब ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में देखते हैं, थ्री रेजिस्टेंस दे रखे हैं ए बी और सी, तीनों की वैल्यू 3R, 6R और R दे रखी है। अब हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नेटवर्क यानी एक्स और वाई के अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो हमें बताना है कि रेशियो ऑफ थर्मल पावर्स डिसिपेटेड बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा, और फाइंड रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय ए बी एंड सी, तीनों के अक्रॉस बताना है और एक बार एक्स वाई के अक्रॉस। मतलब हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली पावर ऑफ ए, पावर ऑफ बी और पावर ऑफ सी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस डायग्राम में सबसे पहले तो पोटेंशियल अगर हमने एक्स वाई के अक्रॉस यहाँ पर अप्लाई किया है तो इसका मतलब है कुछ करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए कोई कैपिटल आई करंट फ्लो किया, अब वो कैपिटल आई करंट दो करंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ, लेट्स कंसिडर दिस इज आई वन एंड अनदर वन इज आई टू, आई वन और आई टू में कन्वर्ट हो गया, ये वापस यहाँ जाके फाइनली इस वाले में कैपिटल आई करंट में जाकर मिल जाएगा। चलिए अब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो ये सर्किट मैं एक बार फिर से नीचे बना लेता हूँ तो उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट डी, तो पार्ट डी में जो सर्किट है कुछ ऐसी सर्किट है, ये दो रेजिस्टर्स यहाँ पर है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट किया हुआ है और ये एक्स वाई है। तो मैं यहाँ कुछ मान लेता हूँ, ये मेरी एक्स पॉइंट और ये मेरी वाई पॉइंट। रेजिस्टर्स कुछ ऐसे थे, ये 3R था, नीचे वाला 6R था और ये R था, ए बी एंड सी, दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि यहाँ से करंट आई गया और ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, आई वन एंड आई टू, यहाँ दो में स्प्लिट हो गया और वापस से जब ये यहाँ आएगा तो दोनों ऐड होकर वापस से आई बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आई वन की बात करूँ फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल, तो करंट डिवाइडर रूल मैं करंट डिवाइडर रूल लगाऊंगा क्योंकि जो मेरा कैपिटल आई करंट है वो स्प्लिट हो रहा है दो करंट्स में, दो करंट में वो डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि आई वन की जो वैल्यू होती है, आई वन की वैल्यू होती है जिस वाले में करंट जा रही है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस यानी 6R अपॉन सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस यानी 3R प्लस 6R, 3R प्लस 6R इनटू द टोटल करंट इंटरिंग द सर्किट यानी ये। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2i अपॉन 3, आई वन की वैल्यू ये आ गई। तो अब सिंपली आई टू की वैल्यू करंट डिवाइडर रूल से निकाल सकते हैं, आई टू इस वाले में जाना है तो इसको अपोजिट क्या है 3R, सो दिस इज 3R अपॉन सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस 3R प्लस 6R इनटू द कैपिटल I। इसका मतलब ये हो गया 3R अपॉन 9R यानी ये मेरी हो गई I अपॉन 3। तो I1 और I2 आ गई। तो अब सिंपली हमें पावर की रेशियो निकालनी थी, तो पावर इन A, पावर इन B और पावर इन C, हमें तीनों में करंट्स पता है तो अगर हमें करंट्स पता है तो हम I स्क्वायर R लगा सकते हैं। तो I स्क्वायर R A, ए वाले में क्या है आई वन है, सो आई वन स्क्वायर आर ए, आई टू स्क्वायर आर ए आर बी और ये सिर्फ आई है तो आई स्क्वायर आर सी, तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। आई वन क्या है टू आई अपॉन थ्री, सो ये मेरा हो गया टू आई अपॉन थ्री का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ आर ए कितना था 3R, ये है रेशियो में आई टू स्क्वायर, आई टू क्या है आई बाय थ्री, सो आई बाय थ्री का स्क्वायर इंटू आर बी, आर बी क्या है 6R और ये जो है रेशियो में आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब सिंपली आई ही है, सो आई स्क्वायर इंटू आर सी जो कि जो ये आई स्क्वायर है इंटू आर सी, तो आर सी कितना है R। तो इन तीनों की रेशियो निकाल देनी है, तो ये हमें दिख रहा है टू टू की स्क्वायर फोर अपॉन ये नाइन, तो यहाँ बस बचा फोर अपॉन थ्री इन रेशियो, इधर बचा मेरा टू अपॉन थ्री इन रेशियो, इधर बचा मेरा वन। तो ये मेरी हो गई
4:2:3। तो ये मेरी रिक्वायर्ड रेशियो आ गई, जो कि पार्ट डी का हो गया आंसर। तो पार्ट डी में हमें यही कह रहा था कि रेशियो ऑफ पावर्स कंज्यूम्ड बाय ए बी एंड सी। तो पार्ट डी भी हमारा हो गया सॉल्व। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।